नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। लोजपा प्रकरण के बाद बिहार के तमाम दलों में हलचल मचा हुआ है। जिस तरीके से लोजपा के 5 सांसद को तोड़कर लोजपा 2 फाड़ में बांट दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर लग रही है, जिसका आरोप नीतीश कुमार पर लग रहा है, अब इस पर कहीं ना कहीं बिहार के सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को समेटने में लग गई है। आपने देखा था कि किस तरीके से भाजपा ने कई राज्यों में विधायक को इधर से उधर कर दिया था। उस समय कांग्रेस ने अपने विधायक को होटल में शिफ्ट कर दिया था। पीछे का अगर इतिहास उठाकर देखें तो कांग्रेस के साथ ऐसे कई बार ये मामले हुए हैं और कांग्रेस ने अपने विधायक को कभी किसी रिसॉर्ट में, कभी किसी होटल में छुपा कर रखा है। अब बिहार में भी कांग्रेस के साथ वही खेला होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही है, कांग्रेस में टूट होना तय माना जा रहा है। अगर हम बात करें तो पिछले दिन भक्त चरण दास पटना आए थे, बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं भक्त चरण दास। उन्होंने कांग्रेस के सभी विधायकों की परेड सदाकत आश्रम में कराई। उन्होंने मूल मंत्र दिया कि किस तरीके से पार्टी को एकत्रित रखना है और दूसरे पार्टी में न जाने देने के भरोसा दिया। अब वही खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो भी विधायक है उन सभी को सोनिया गांधी के सामने परेड कराई जाएगी, यानी ये खबर भी अब पुरानी हो चली है। अब बिहार की राजनीति में एक नई खबर कांग्रेस को लेकर आ गई है। ये खबर है बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी जा सकती है, मतलब मदन मोहन झा की कुर्सी खतरे में है। बिहार में जिस तरीके से टूट का माहौल है, नीतीश कुमार अपना खेमा मजबूत करने में लगे हैं, अपनी कुनबा को बढ़ाने में लगे हैं, क्योंकि वो बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी से कम सीट पर रहें और बीजेपी उन पर कोई दबाव बनाए। इसको लेकर अब सोनिया गांधी और तमाम नेताओं के बीच एक बैठक होनी है और सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि मदन मोहन झा की कुर्सी जा सकती है। इसमें अब नए अध्यक्ष पद के बिहार में चुनाव होंगे, जिसमें अखिलेश सिंह हो, प्रेमचंद मिश्रा तथा कई अन्य नाम हैं जिसमें मोहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष का चुनाव बिहार में जल्द होगा, क्योंकि कांग्रेस में टूट को देखते हुए कांग्रेस का आला कमान अब हरकत में आ गई है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी स्थिति बिहार सहित पूरे देश में कई बार झेल चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।